ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब सीएम पंक WWE प्रोग्रामिंग से क्यों जुड़े हैं, इसका आंसर भले ही हमारे पास ना हो लेकिन राबिया के पास जरूर है, और वो आंसर कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर देगा सीएम पंक के फ्यूचर प्लान्स के लिए। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों जो ब्रे वायट का कस्टम यूनिवर्सल टाइटल है उसका प्राइस इतना ज्यादा है, और गाइस कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में जहां पर हमें पॉसिबली कुछ बहुत बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। और सबसे पहले गाइस हम लोग सीएम पंक एंड रायबैक के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं काफी बार कि रायबैक की जो थ्योरीज होती हैं या उनके जो टेक्स होते हैं, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और रिसेंटली जब उनसे सीएम पंक के बारे में पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सीएम पंक क्यों WWE में आए, उन्होंने क्यों ऑल इलीट रेसलिंग को साइन नहीं किया, वो क्यों WWE बैक स्टेज की प्रोग्रामिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो गाइस यहां पर सबसे पहले तो रायबैक ने यह कहा कि सीएम पंक एक टाइम पर वो बंदे हुआ करते थे जो कि कहते थे कि प्रो रेसलिंग से उनका कोई भी लेने देना नहीं है, लेकिन बहुत ही अजीब बात अब यह है कि वो WWE के बारे में बात कर रहे हैं, वो WWE बैक स्टेज शो पर आ रहे हैं, वो WWE के प्रोडक्ट के बारे में बुरी बातें भी कह सकते हैं, और मजे की बात यह है कि फॉक्स इन सभी बातों को कर रहा है अलाउ। और गाइस ये वाली जो सिचुएशन है रायबैक के हिसाब से ये लीड कर सकती है सीएम पंक के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपीयर होने को लेकर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो कि सीएम पंक WWE में हमेशा से ही करना चाहते थे। और गाइस रायबैक के हिसाब से यही एक रीजन है कि आखिर क्यों सीएम पंक ने ऑल एलीट रेसलिंग को साइन नहीं किया बल्कि उन्होंने चुना WWE को, WWE बैक स्टेज शो को। अब अगर रायबैक की थ्योरी के हिसाब से सोचा जाए तो भाई सच में ये चीज काफी ज्यादा कमाल की हो जाएगी अगर रेसलमेनिया में आकर सीएम पंक मेन इवेंट कर जाते हैं, क्योंकि सीएम पंक की WWE से यही एक बहुत बड़ी कंप्लेन रही थी कि उनको रेसलमेनिया में एक बार भी मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिला, बावजूद इसके कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे और उस समय उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा थी जो कि आज भी है। और अगर आज भी अगर पंक आते हैं और उन्हें मेन इवेंट मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैन को यहां पर दिक्कत होगी, और रायबैक के तो भाई यहां पर यही ओपिनियन है। कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है रायबैक की स्टोरी के बारे में, और क्या आप लोग सीएम पंक को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखना पसंद करोगे। हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है ब्रे वायट की कस्टम यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। अब मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको बताया था कि इसका प्राइस लगभग 4-4.5 लाख के आसपास है तो उस चीज में आप लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, तो मुझे लगा ये वाली स्टोरी भी आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और गाइस इसके पीछे का रीजन क्या है कि WWE ने इतना ज्यादा इसका प्राइस रखा हुआ है, तो WWE जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि अगर हम इतना कोई हाई प्राइस चीज को रखते हैं तो क्या फैंस उसे खरीदने में फिर भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में WWE ऐसा करती नहीं है। और जैसे यहाँ पर यह देखना चाहती है कि अगर इसको खरीदा जाता है तो आने वाले टाइम में वो इतनी महंगी महंगी चीजें और भी WWE की मर्च में ऐड कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर WWE का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है कि क्या उनके हार्डकोर ऐसे फैंस हैं जो कि इतनी महंगी चीज को भी खरीदेंगे, और अगर खरीदते हैं तो भाई फिर WWE आगे भी ऐसा करेगी, वो अपने फैंस को एक तरह से लूटेगी। मतलब इसके इतने ज्यादा प्राइस नहीं होने चाहिए, वो इसलिए है कि WWE अपने बिजनेस के हिसाब से चलती है। WWE को देखा जाए तो भाई उनके तो फायदे हैं, जो फैन खरीद रहे भाई अगर वो पैसे दे रहे तो मेरे हिसाब से उनके पास पैसे होंगे भी और वो इतना खर्च कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी बैकलैश उनको काफी ज्यादा मिला कि इतना ज्यादा किसी चीज का प्राइस कैसे हो सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है केविन ओवन से, और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है जो कि उनकी जुड़ी है फिनिशर को लेकर। अब वो स्टनर को यूज किया करते हैं, लेकिन गाइस यहां पर केविन ओवन ने ये बात रिवील करी कि कैसे शुरू में उनको स्टनर यूज करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था, उनको अलाउ नहीं किया जाता था, और इसके पीछे रीजन ये था कि उनका तब का कैरेक्टर उस चीज को लेकर इतना ज्यादा सूट नहीं करता था। उन्होंने एक स्टोरी भी याद दिलाई जब रोमन रेंज को उन्होंने स्टनर लगाया भी था बट स्टिल वो मैच को नहीं जीत पाए, जिसके बाद स्टोन कोल्ड ने यह भी कहा था कि लगता है आपको इसे सही से यूज करना भी नहीं आता। लेकिन गाइस अब केविन ओवन्स का मानना यह है कि अभी का जो उनका कैरेक्टर है वो इस चीज पर काफी अच्छे तरीके से सूट भी करता है, और वैसे देखा भी जाए तो केविन ओवन्स को फिलहाल फैंस की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फैंस उन्हें बैक कर रहे हैं, और अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है केविन ओवन्स के स्टनर फिनिशर यूज करने से। और यही एक स्टोरी थी जो कि उन्होंने रिवील करी कि आखिर क्यों शुरू में उनको स्टनर यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से स्टनर यूज करने के बाद केविन ओवन्स का अब जो कैरेक्टर है वो शायद और पहले से बेटर हो चुका है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी आज की फाइनल स्टोरी है, और ये जुड़ी गाइस कल होने वाली मंडे नाइट रॉ से, जो कि एक कमाल का शो होने वाला है मेरे हिसाब से। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, WWE पानी फेर देती है लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन हम लोग रखेंगे। और गाइस WWE ने यहाँ पर एक हैंडीकैप मैच सेट कर दिया है जो कि शार्लट फेयर वर्सेस काबुकी वॉरियर्स, मतलब कि आस्का एंड कायरी सेन के बीच में देखने को मिलने वाला है, और इस मैच को करवाने का मतलब यही है पॉसिबली यहाँ पर हमें बैकी लिंच आती हुई दिखाई दे सकती है, और इस तरीके से हमें शार्लट फेयर एंड बैकी लिंच सेम पेज के ऊपर एक बार फिर से देखने को मिलेंगे, और ये TLC में हमें एक साथ मैच भी रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस जिसकी मैं आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि सेथ रॉलिंस का भी हमें एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पर वो एक अपॉलॉजी इशू करने वाले हैं उनके एक्ट को लेकर जो कि उन्होंने रॉ पर इससे पहले करे थे। लेकिन गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपॉलॉजी यहां पर होगी, लेकिन हो सकता है इसके बजाय वो एक और बड़ा कांड कर दें, और गाइस पॉसिबली हो सकता है कि कल रॉ के एपिसोड में हमें जो नया फैक्शन है ऑथर्स ऑफ पेन और सेथ रॉलिंस का वो फाइनली बनता हुआ दिखाई दे जाए, और ये फिर आगे रॉ पर हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब WWE से कैसे भी प्लान कर सकती है, हो सकता है सेथ रॉलिंस प्रोमो कट करें, वो सीधा ऑथर्स ऑफ पेन को बुलाएं, उसके बाद वो एक नई फैक्शन का यूनियन कर सकते हैं, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि WWE यहां पर केविन ओवंस का यूज करे ताकि जो सेथ रॉलिंस और ऑथर्स ऑफ पेन का फैक्शन होगा उसकी तरफ और भी ज्यादा हीट डाली जाए। और गाइस, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियोस के अंदर कि लाइव इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस ने केविन ओवंस के अगेंस्ट एक हील सुपरस्टार की तरह रेसल किया, तो फिर यहां पर इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता कि सेथ रॉलिंस मेन रोस्टर पर एक फेस सुपरस्टार की तरह काम करें। डेफिनेटली WWE ने हमें बता दिया कि उनके आगे क्या प्लान्स होने वाले हैं, तो कल आप रॉ में एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑथर्स ऑफ पेन एंड सेथ रॉलिंस फाइनली अपने बीच चीजें सेटल करेंगे और हो सकता है ये केविन ओवंस की यहां पर वाट लगा दें। लेकिन गाइस, अब आपको यहां पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि कल रॉ के बाद 9-10 बजे के आसपास आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पर जरूर आ जाना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, और गाइस आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।